आइए डालते हैं एक नजर अमरावती की क्राइम रिपोर्ट पर। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी घटना के अनुसार नितिन साहू बडनेरा रोड की ओर जा रहे थे, तभी तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी जेब से एक मोबाइल फोन, 22,000 रुपए नगद, 15 ग्राम की दो अंगूठियां, एक चेन और एक लॉकेट सहित कुल 1,90,000 का सामान छीन लिया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 392-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जाँच राजापेट पुलिस कर रही है। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी घटना के अनुसार आरोपी महिला का पति है और वह हमेशा शराब पीकर उसे पीटता है। आरोपी ने शराब के नशे में महिला से बहस और मारपीट की। आरोपी गजानन वालदे के खिलाफ धारा 324-504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटी घटना के अनुसार महेंद्र भोसले जब अपनी पत्नी के साथ खेत से लौटे तब उनकी बेटी घर पर नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने तलाश की पर नाकामयाब रहे। आरोपी ने घर से लड़की के कपड़े सहित 15,000 रुपए चुराए और उसका अपहरण किया। आरोपी रंजीत पवार के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच नांदगांव पेट पुलिस कर रही है। स्टेशन के अंतर्गत घटी घटना के अनुसार जब विशाल दलवी काम पर जा रहे थे तभी वाहन क्रमांक MH 29 G 8218 के चालक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के लिए धामनगांव रेलवे ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 279-304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच दत्तापुर पुलिस कर रही है। मोर्शी पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी घटना के अनुसार भास्कर उमल का दुपहिया वाहन MH 27 AM 8108 अष्टगांव से चांदूर बाजार रोड पर खड़ा था, तभी अज्ञात चोर ने वाहन चोरी कर लिया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच मोर्शी पुलिस कर रही। वरुण पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी घटना के अनुसार आरोपी सुशीला युगनाते का बेटा है, जिसने शराब के नशे में किसी कारणवश अपनी मां के साथ गाली गलौच एवं मारपीट की। आरोपी संदीप युगनाते के खिलाफ धारा 324-504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच वरुण पुलिस कर रही है। चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी घटना के अनुसार जब रीता सोलंकी कपड़े लेने जा रही थी तभी एक अज्ञात महिला ने उसके पर्स से 2.5 ग्राम का मंगलसूत्र, बच्चों के कान की 3 ग्राम की बाली एवं 1,000 रुपए नगद, कुल मिलाकर 13,000 रुपए का माल चुरा लिया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच चांदूर बाजार पुलिस कर रही है। ये थी अमरावती की क्राइम रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ।